अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजे का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में डॉक्टर उनसा मोहसिन, जो कि एक रिनाउंड जनरल प्रैक्टिशनर है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजे। ये करंटली इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक हमने इनके साथ डिस्कस करना है, दैट इज एसिड रिफ्लेक्स, जिसको उर्दू में अगर मैं कहूँ तो वो मेदे की तेजाबियत है। जैसे अगर मैं मतलब कॉमन लफ्जों में हम उसे खट्टे डिकार आना या मेदे का प्रॉब्लम, उससे बहुत सारी आगे फर्दर जो जो बीमारियां जन्म लेती हैं, या इसके इसकी क्या कॉजेज है, क्या इसकी रीजंस है, और फर्दर इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसी के लिए मैंने अपने साथ पैनल में डॉक्टर उनसा को लिया है। मैं बढ़ता हूँ डॉक्टर उनसा मोहसिन की तरफ, और आज का जो हमारा लाइव सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उनसा। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू सो मच। आपका आपने मुझे अपने फोरम बताया, एंड आई थिंक इलाज मुआलजा इस सिलसिले में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जनरल पब्लिक को इनकी अवेयरनेस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें इन ऑनलाइन थ्रू अगर हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पहुँचाएंगे तो होपफुली उनको उसकी नौइयत का एहसास हो जाएगा। थैंक यू मैम, जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो एसिड रिफ्लेक्स के बारे में है, एसिडिटी, स्टोमिक जी एसिडिटी के अली, बारे में है, आज तो का जो आप टॉपिक मुझे थोड़ा सा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें, हम तो लोग फिर फर्दर डिस्कस हमारा करेंगे क्वेश्चन आंसर का इंशाल्लाह। जो सेशन और होगा उसको स्टार्ट कर लेंगे हम। अली, इसके बारे में स्टार्टिंग इससे करूंगी कि जैसे हम लोग कॉमनली हर जगह सुनने में भी आता है, हमारे पास मरीज जनरल प्रैक्टिस हम जब कर रहे होते हैं तो मरीज की नॉर्मली कंप्लेन होती है कि मुझे तेजाबियत हो रही है या जलन हो रही है। और ये ज्यादा कंप्लेन किस टाइम पे करते हैं कि हमने खाना खाया और उसके फौरन बाद हमें चेस्ट में, कभी कुछ लोग जो है वो भारीपन का भी कंप्लेन करते हैं, जलन की कंप्लेन करते हैं, इवन पेन की भी कंप्लेन करते हैं कि दर्द हो रही है। और कुछ लोग जैसे खट्टी डकार रहे हैं या गले के अंदर कोई आप समझ लें कि एक एसिड जो तेजाबियत है वो महसूस हो रही होती है। तो कॉमनली जो मरीज हमारे पास आते हैं उनकी ये कंप्लेन्स होती हैं। इसको हम अपने इसमें एसिड रिफ्लक्स कहते हैं या तेजाबियत। और ये बेसिकली जो अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे जो खुराक की नाली है उसे इसोफिगस कहते हैं, और वो कनेक्टेड होती है स्टमक के साथ, जिसको हम मैदा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि मैदे के अंदर खुराक जैसे ही खाने की नाली से अंदर जाती है तो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है। खाने के जैसे ही हम लुकमा लेते हैं मुंह के अंदर, तो वो स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर ये एक खास किस्म का एसिड होता है, वो पैदा होता है, जो कि खाने को जब नाली के थ्रू खाना मैदे के अंदर पहुंच ताल्लुक है। तो उसमें ये है कि जैसे ही खुराक हमारी खाने की नाली से, जिसे इसोफिगस कहते हैं, वो जैसे ही मैदे के अंदर पहुंचती है तो मैदे में एक तेजाब, अल्लाह ताला ने एक एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं लाइक वो खाने की खुराक की, और वो उस खाने को छोटे टुकड़ों में, अगर एक नवाला लें तो वो उसको स्मॉल पीसीज में करता है, और एसिड बहुत हेल्प करता है उसकी डाइजेशन ब्रेक डाउन में। और हमने जहाँ बात की थी तो वो अगर कोई, बहुत सारी और भी वजूहात हैं लेकिन उनमें एक दो वजूहात ये होती हैं कि उसके अंदर जो नीचे उसका एक वैल्व बना होता है, एक इनलेट होता है जो कि खाने की नाली को मैदे के साथ जोड़ता है, वो जब खुराक आती है तो वो खुलता है, और जब वो खुराक नहीं आती तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर उस निज़ाम में हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम हो, या और बहुत सारी वजूहात हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो तेजाब मैदे से खुराक की नाली में चला जाता है और फिर उसी तरह वो थ्रोट में आ जाता है आपके गले में, और आपको ये तेजाबियत भी महसूस होती है और खट्टी डकारें और चेस्ट में इवन दर्द और हैवीनेस महसूस होती है। इसी को ठीक है हम मैम, इसी जी ठीक है, इसको बेसिकली डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, जैसे एसिड की स्टोमिक एसिडिटी है या एसिड रिफ्लेक्स है, तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, या क्या ये सेम ही चीजें हैं? नहीं, ये बेसिकली पेशेंट की जो कंप्लेन्स होती हैं, अब ये देख लीजिएगा कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन हम जब अगर एक मरीज को ये चीज़ बारहा हो रही है, और वो अगर लेट्स सपोज घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं या जिन वजूहात की वजह से वो हो रहा है, जैसे मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इवन कुछ लोग जो मोटापे का शिकार है उन लोगों में भी ये तेजाबियत का मसला होता है। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इन, जैसे हम कहते हैं कि इन सबको कंट्रोल कर लिया जाए और बीमारी कंट्रोल हो जाए, तो वो तो तेजाबियत एक नॉर्मल, जिसको एसिडिटी या हार्ट बर्न कहेंगे, लेकिन अगर नहीं है और वो
फर्दर आगे हमें महसूस हो रहा है कि मरीज उस किसी और वजह से ये बीमारी उसको महसूस हो रही है, क्योंकि तेजाबियत सिर्फ कोई एक अपनी उन चीजों की वजह से नहीं, किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी तेजाबियत हो सकती है। तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, गर्ड के नाम से। तो वो हमारा मेडिकल एक टर्मिनोलॉजी है। नॉर्मली हम बर्निंग, हार्ट बर्न, तेजाबियत, एसिड रिफ्लक्स, ये इसी इसके टर्म्स में आते हैं। ठीक है मैम, ये तो हमने बात की कि इसकी क्या क्या रीजन हो सकती है। अगर हम बात करें कि एसिड रिफ्लक्स से, स्टोमक एसिडिटी से फर्दर कौन कौन सी नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं, तो वो कौन सी होंगी? जैसे ज्यादातर सुनने में जो आता है वो अल्सर है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि क्या स्टोमक एसिडिटी से अल्सर की बीमारी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां इससे जन्म ले सकती हैं? हम उस चीज को हार्ट बर्न, तेजाबियत, एसिड रिफ्लक्स और इनके नाम से देते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि मैंने पूछा कि एसिडिटी से, स्टोमक एसिडिटी से फर्दर कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? जैसे मोस्टली सुना जाता है कि जी एसिडिटी से, अगर आपको स्टोमक एसिडिटी है तो इससे आपको अल्सर की बीमारी हो सकती है, इस बात में क्या कितनी हद तक सच्चाई है? और अगर अल्सर की बीमारी होती है तो इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां स्टोमक एसिडिटी से जन्म लेती हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने अली आपको यही बात बताई कि अल्लाह ताला ने अपना जो हमारी जिस्म का निज़ाम बनाया वो ऐसा है कि जो ट्यूब है उसका कनेक्शन स्टमक के साथ है, मैदे के साथ है, और उसका जो एक सिस्टम है कि वो वैल्व बंद हो जाता है जब खाना नहीं होता। लेकिन अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल मैं ये दूंगी कि लोग बहुत लेट खाना खाते हैं, जैसे ही खाना खाएं और वो एकदम बेड पे लेट जाएं, कोई वॉक नहीं, कोई चलना फिरना नहीं, तो एक एग्जाम्पल उसमें ये होगी कि जैसे खाना खाया और बेड पे आ गए, तो वो जो एसिड प्रोड्यूस होता है वैल्व वैसे तो बंद हो जाता है, लेकिन वो एसिड जब ऊपर की तरफ जाएगा तो देखें एसिड तेजाब है, ठीक है, वैसे तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर वो उसका एक्शन ऑपोजिट होना शुरू हो जाए तो एसिड आपकी उस जगह को खराब करना शुरू कर देता है। तो जैसे खुराक की नाली है या इवन मैदा भी है, तो आप ये समझ लें कि वो जो तेजाब ऊपर की तरफ जाता है तो जो साइड्स होती हैं आपके खुराक की नाली के, जिसे इसोफिगस कहते हैं या स्टमक, उनको वो खराब करना शुरू कर देता है, ठीक है। और रफ्ता रफ्ता जैसे अगर वो चीज कंट्रोल नहीं की जा रही तो वो तेजाबियत उस सरफेस को खराब करेगा जिससे वो अल्सर प्रोड्यूस होते हैं। और साथ में आप ये देखिएगा कि यही अल्सर अगर फॉर एग्जाम्पल मरीज को, हम जो जैसे बीमारी बताई है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मरीज उस पे आ जाता है, कोई होम जैसे हम मरीज को कहते हैं कि भाई आप ये चीजें करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम स्टार्टिंग में करते हैं, अगर मरीज हल्का फुल्का ये कंप्लेन कर रहा है तो हम उसको ऐसे तरीके बताते हैं कि भाई आप ये खुराक में से चीजों को ओमिट कर दें, ये चीज आप कम कर दें, आप अपनी अगर स्ट्रेस है तो उसको कम कर दें, जो हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता तो इसके यही बीमारियां आगे जो खुराक की नाली है उनकी मजीद लाइक खतरनाक बीमारियों का भी बायस बनते हैं। जैसे हम जिसे बैरेट इसोफिगस कहते हैं कि वो उसकी पूरी जो अंदर की लाइनिंग होती है इसोफिगस की, खुराक की नाली की, वो उसको बदल देते हैं, और अल्टीमेटली बहुत एंड स्टेज पे जब मरीज का वो होता है तो इवन कैंसर्स भी इसी चीज का पेशखैमा होते हैं। तो सो ये इनिशियली तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं सारी बातें, लेकिन अगर ये लंबे टाइम के लिए हो जाए, मरीज को आराम ना आ रहा हो, कोई और बीमारी इसकी वजह से हो रही हो और ये एक छोटा सा सिम्टम हमें दिख रहा हो कि भाई हार्ट बर्न हो रहा है, मैदे में जलन हो रही है, तो उस चीज को हम फिर मरीज को फर्दर रेलेवेंट डॉक्टर की तरफ रेफर कर देते हैं। ठीक है मैम, अब जैसे कि आपने बड़े अच्छे तरीके से रीजंस को इलैबोरेट किया, अगर हम बड़े इसके ट्रीटमेंट की तरफ, मतलब अगर हम मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि कौन सी ऐसी गजाएं हैं, जैसे सबसे पहले अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, मतलब कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो हमें इनटेक करने चाहिए और जिनसे जो एसिडिटी है, स्टोमक एसिडिटी है, उससे निजात हासिल की जा सकती है? बिल्कुल। अच्छा अली, इसमें मैं एक दो चीजों को मजीद ऐड करूंगी और अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि होता क्या है, ज्यादातर क्या चीजें, क्या फैक्टर्स हैं कि जो इस स्टमक एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। उसमें ये है कि हम मोस्टली देखते हैं कि पेशेंट एक तो बहुत ज्यादा अगर बहुत जल्दी जल्दी खाता है या बहुत हैवी
मील लेता है. फॉर एग्जाम्पल कोई जंक ले रहा है, कोई निहारी या इस तरह की स्पाइसी फूड ले रहा है, और उसके फौरन बाद एक तो ये एक चीज इसको करती है, एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाती है. सेकेंडली मोटापा, इवन जो लोग ओबीज हैं, ओबेसिटी इतनी बड़ी आजकल बढ़ रही है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को यही हर्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है. तीसरी चीज स्ट्रेस. स्ट्रेस हमारी आजकल लाइक हम देखते हैं कि कॉमन एक बीमारी बन चुकी है, और स्ट्रेस में भी ये एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से भी होता है. तीसरी चीज ये है कि जो लोग बहुत लेट खाना खाते हैं और रात को भी कोई ना कोई स्नैक्स ले रहे होते हैं सोने से पहले, उस वक्त भी उन लोगों को भी हार्ट बर्न की शिकायत बहुत ज्यादा होती है. फिर स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी ये हार्ट बर्न की शिकायत बहुत ज्यादा होती है. और आप ये भी देख लीजिएगा कि बाज औकात हम लोग जो कुछ खुराक की ऐसी चीजें हैं जिसमें कैफीन, जो हम ये कॉफी वगैरह पीते हैं बहुत ज्यादा, जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं उन लोगों को ये बहुत ज्यादा शिकायत है. जिस तरीके से ये फिजी ड्रिंक्स हैं, ये भी आपकी एसिडिटी को, लोगों का ये कहना है कि शायद फिजी ड्रिंक्स से एसिडिटी कम हो जाती है लेकिन वो मजीद बढ़ जाती है. और इसमें एक और भी चीज बताना चाहूंगी कि जैसे मिल्क है, हम ये कहते हैं कि दूध पीने से एसिडिटी जो है ना वो कम हो जाती है, लेकिन दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत हैवी होते हैं. ठीक है, ये ऐसी चीजें होती हैं कि ये उस एसिडिटी को कम करने के बजाय बढ़ाती हैं. उसके ज्यादा बरक्स अगर पानी पिया जाए, हाँ पानी पिया जाए तो पानी एसिडिटी को, पानी देखें आपके पास एक तो बिल्कुल न्यूट्रल है तो पानी एसिडिटी को थोड़ा कम करता है, लेकिन खाने के फौरन बाद बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो भी आपकी एसिडिटी और सार थ्रोट और इन सब चीजों के लिए करता है. और बाकी इसको रिड्यूस करने की कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम अपने जो जितने भी हमारे आते हैं पेशेंट्स हमारे पास और वो कंप्लेन करते हैं इन चीजों की, तो हम उनको सबसे पहले तो उनका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल ये जो मैंने चीजें आपको बताई कि अपनी ओबेसिटी को थोड़ा कम करें, उनकी ये कंप्लेन बेहतर हो जाती है. बाज औकात हम उनको डाइट प्लान चेंज करके दे देते हैं कि ये चीजें जो आपके खुराक की हैं ये कम कर दें और इन चीजों को बढ़ा दीजिए, उससे बहुत अफाका होता है. फिर जो स्ट्रेस लेवल है वो नॉर्मली जिस तरीके से हम काउंसल करते हैं कि ये भी स्मोकिंग को कम कर दें, इवन एक्सरसाइज है, जो वाटर इनटेक है वो, बाकी जितनी भी जो चीजें इनको एग्रीवेट कर रही होती हैं हम हमेशा इनको बताते हैं. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट चेंज करते हैं. फिर अगर उनको नहीं होता तो फिर हम एक हमारी जनरल मेडिसिन होती हैं, उनको हम एंटासिड्स कहते हैं या एंटीहिस्टामिन्स होती हैं, वो हम लोग रेफर करते हैं कि मरीज को जो है वो एडवाइस करते हैं. और अगर उससे भी अफाका ना आए और वो बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा हो तो फिर हम रेलिवेंट जो स्पेशलिटी है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं. अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज मैं और भी ऐड करूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हमारी खुराक में हैं जैसे हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक केला है, ठीक है, उसमें अगर कोई बनाना अगर पका हुआ बनाना है तो हम मरीज को ये कहते हैं कि वो जरूर ले. क्यों? क्योंकि वो पोटेशियम होता है उसमें, बेस होती है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, तो वो एसिडिटी को कम करने में बड़ा मेन एक हेल्प करती है. ठीक है, लेकिन उसके बरक्स अगर वो अनराइप बनाना लेते हैं या कच्चा बनाना जैसे वो पका नहीं, तो वो उसकी आपने तो ये जिक्र किया लास्ट कि में आपने थोड़ी उसमें सी कुछ हम बात की एक केले छोटी की, तो एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे होते हैं जी कि हम बनाना तो लेते हैं हाँ लेकिन उससे हमें जो है वो या तो कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। एक तो इसके बारे में भी ये भी मिथ है, और दूसरा इसके अलावा आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जैसे आपने स्टार्ट में इस डिस्कशन के स्टार्ट में बताया कि जो लोग रात का खाना खाते हैं उनको भी स्टोमक एसिडिटी हो जाती है, तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ ना कुछ लेना है, स्नैक लेना है और हमें स्टोमक एसिडिटी से भी बचना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? हमें वॉक करनी चाहिए या कौन सा स्नैक जो है वे कितनी अमाउंट में कितनी कैलोरीज जो है वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए? अच्छा, इसमें मैं अली यही बताना चाहती हूँ कि जो रात का खाना है वो आइडियली आपके बेड टाइम से 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जैसे अगर स्नैक करने की आदत है, तो कोई जैसे मैंने बनाना का जिक्र किया, तो राइप बनाना मीन्स के पका हुआ बनाना अगर लें, अगर कोई और इश्यू नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एसिडिटी करने से, मतलब कि है किसी को तो वो प्रिवेंट करता है, मींस के बेहतरी की तरफ ले जाता है. अगर एसिडिटी है तो वो कम कर देगा क्योंकि उसमें बेस है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा. बाज लोग दही का भी इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। दही भी ठीक है, दही करते हैं, लेकिन ये कि दही से क्या होता है कि वो एक हम लोग जैसे कहते हैं ना कि स्टमक में जाता है तो वो आपको एक ठंडी तासीर, जिस तरह हमारे मरीज अक्सर इन चीजों को लेते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स की जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्वीट या कोई डिजर्ट ऐसा है, तो अगर वो लार्ज अमाउंट में लेंगे या एकदम बड़ा खाना जैसे बिग मील लेंगे, तो वो रात में मोस्टली अवॉइड करना चाहिए ऐसे खुराक को, क्योंकि ये अगर किसी को कंप्लेंट्स हैं तो बाकी दो तीन एग्रीवेटिंग फैक्टर मिलके एसिडिटी और तेजाबियत का ही बायस बनते हैं। और उसमें ये कि हम लोग अपना अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट प्लान चेंज करें, तो काफी इसमें बेहतरी आ जाती है। ठीक है, ऑलराइट। और इसमें मुझे थोड़ा सा जैसे हमने फूड के बारे में बात की, ठीक है बिल्कुल, आई एम गेटिंग यू मैम। मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी फूड्स हैं स्पेशली जिनका इंटेक हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपने जैसे लास्ट टाइम बात की कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में भी, तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोग जब उनको जरा मेदे की तेजाबियत होती है, कब्ज होती है, तो वो कहते हैं कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक ले, इससे जो है वो शायद हमारा हमारी जो एसिडिटी है ये खत्म हो जाएगी। इस मिथ के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मैम। आई गेस डॉक्टर उनसा का कुछ सिग्नल इश्यू है जिसकी वजह से हमारा लाइव सेशन आज का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।